नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। मेरे साथ मेरे साथी रजत हैं। एक गांव की बात करने वाले इस वीडियो में हम, जहां से 5 विधायक निकले हैं। रजत उस गांव में गए थे, कौन सा गांव है पहले ये बताइए। लोग गांव का नाम लूंगा तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। गांव का नाम है चौटाला। समझ गए होंगे हरियाणा के लोग, समझ गए होंगे दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, ऐसे ऐसे बड़े नेता आते रहे और उनसे भी बड़े देवीलाल, चौधरी देवीलाल, पूर्व उप प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा के बड़े नेता, जन नायक कहे जाते थे और किंग मेकर भी कहे जाते थे। आज उनके पड़पोते के लिए भी यही बात कही जा रही थी दिन भर, दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हैं, किंग मेकर है जेजेपी से दुष्यंत चौटाला। तो मैंने 5 विधायकों का जिक्र किया, पहले तो आप 5 विधायक कौन से बन के आए हैं और वो कौन लोग हैं बता दीजिए। देवीलाल जी के 4 बेटे थे, 4 में से ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला अच्छी खासी एक्टिव पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की हमेशा से थोड़ी सी ठनी रही रंजीत चौटाला से। इनसिक्योरिटीज भी थी कि जो उनके फादर की लेगेसी है कहीं वो ना ले जाए। कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते रहे और इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा रानिया सीट से। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद 19,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत गए हैं और फिलहाल खबर उनके लिए ये आ रही है कि वो बीजेपी के समर्थन देने वाले हैं। और एक और मुद्दे की बात है जिनको उन्होंने हराया, गोविंद कांडा जो कि गोपाल कांडा के भाई हैं, एक और निर्दलीय विधायक। हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा ने शुरू की थी 2009 में, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन दिया था, कैबिनेट मंत्री रहे थे। उन पर अटेम्प्ट टू सुसाइडल वाले या सुसाइडल एक्ट को अंजाम देने तक के, ले जाने तक के केस उन पर लगे हुए हैं और वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उनके भाई इस सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए, रंजीत चौटाला वहां से जीते। अब उनके आगे आते हैं कि रंजीत चौटाला की अगली पीढ़ी, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, दो बेटे हैं अजय और अभय, अजय जेल में, अजय इससे पहले डबवाली से चुनाव लड़ते रहे थे, इस बार नहीं लड़े हैं क्योंकि वो जेल में है। उनके बाद उनकी पत्नी नैना चौटाला वहां से चुनाव लड़ती रही थी, वो नहीं लड़ी है। इस बार वो चरखी दादरी चली गई है, चरखी दादरी की बादड़ा सीट थी, नैना चौटाला वहां से जीत चुकी हैं। ये दूसरा नाम है नैना चौटाला जो जीत। हमने भी जो एलनाबाद का जिक्र किया था, अभय चौटाला अजय चौटाला के छोटे भाई, कहा जाता है कि ये भी चौटाला का पूरा गढ़ है, वो यहाँ से जीत। INLD फिलहाल वही संभाल रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में है, तो INLD वही संभाल रहे हैं। अभय चौटाला हो गए, रंजीत चौटाला हो गए, नैना चौटाला हो गए। उसके बाद जिक्र आता है आदित्य देवीलाल चौटाला और अमित सिहाग का, दोनों चौटाला गांव के हैं। आदित्य देवीलाल चौटाला जो हैं वो देवीलाल के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, और जो अमित सिहाग हैं वो भी चौटाला गांव से ही आते हैं। उनके पिताजी केवी सिंह OFF, उनके पिता केवी सिंह OFD रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, काफ़ी नाम कमाया, पिता ने जो नाम कमाया उसी की वजह से अमित सिहाग आज वहां से जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये 5 लोग हैं जो चौटाला गांव से आते हैं और विधायक खबरों में रहा एक नाम दुष्यंत चौटाला का, बिल्कुल पांचवा नाम है दुष्यंत चौटाला का। उचाना कला से चुनाव जीते, प्रेमलता को चुनाव हराया, प्रेमलता आप पूछेंगे कौन है, चौधरी बीरेंद्र की पत्नी है, सर छोटू राम के वंशज हैं और इनका खुद का बेटा हिसार से MP है। पिछली बारी वो चुनाव जीत गई थी 2014 में 7,480 वोट से, लेकिन इस बार का आप मार्जिन देखेंगे 47,000 से ज़्यादा वोटों से दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को मात दी है। तो मैं एक बार 5 नाम रिपीट कर देता हूँ जो जीतने, मैं बता देता हूँ, रंजीत सिंह चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला जो कि दुष्यंत की मम्मी हैं, और आदित्य देवीलाल को हरा के देवीलाल हारे, अमित सिहाग जीते हैं। ये दोनों भी इसी गांव के ही हैं, मगर जीते अमित सिहाग है तो उनका जिक्र पहले आएगा। मगर एक बात और है, लोगों को लगेगा कि चौटाला गाँव के लोग हैं तो 7 होंगे, मगर अगर आप बताना शुरू करेंगे तो 2 लोग 7 हैं, मतलब सभी लोग लगभग अलग हैं, 4 खेमे निकल आएंगे। ये मैंने सवाल दुष्यंत चौटाला से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम एक ही परिवार के लोग, जितनी पार्टीज हैं उतनी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे परिवार के लोग, तो वो सब बिखरे हुए, जितना इतना फैमिली ट्री बड़ा होता गया सबकी पार्टीज अलग अलग होती गई। इनफैक्ट खुद दुष्यंत की JJP पार्टी बनकर निकली और आज आप देख ही रहे हैं उसका क्या नतीजा है। गाँव के परिवार के 4 लोग जीते हैं, मगर गाँव वाले इससे तो खुश होंगे कि ठीक है भाई हमारे गांव के 5 लोग विधायक, लेकिन आप एक चीज नाराज भी, मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स ही मानिएगा इसको। आप देखिए कि चौटाला से 5 विधायक निकल के आ रहे हैं, 5 बार के CM निकल के आए जो अपने आप में रिकॉर्ड है हरियाणा के, ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन जब मैं सिरसा जा रहा था, मेरा पहली बार सिरसा जाना हुआ था, मैंने बहुत अच्छी रोड्स देखी उस पर और अच्छी खासी फार्मिंग होती है, कॉटन वहाँ लगते, कीनू वहाँ लगते, गेहूँ, चावल, पानी खूब है, पानी की दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि CM यहाँ से आए हैं तो ये सब उन्होंने बनवाया होगा, जितनी आप रोड्स वगैरह देख रहे हैं। लेकिन लोगों से पूछा कि ये उनके टाइम का बना, उन्होंने कहा उनके टाइम में कुछ भी नहीं था, ये पिछले 5 साल में बना है,
ये एक बड़ी चीज थी, वरना कोई भी सीएम आता है वो अपना गढ़ तो चमकाता ही है कम से कम, है ना। जैसे आप भिवानी जाइए तो बंसीलाल देते हैं कि उन्होंने रोहतक चमका दिया, बंसीलाल भिवानी को चमकाते रहे, ऐसे बातें होती रहती। लेकिन चौटाला का वो हाल नहीं था, चौटाला गाँव का। अच्छा, ये आपने अच्छा जिक्र किया कि चौटाला गाँव जहाँ से 5 विधायक आए हैं इस बार, उस गाँव का विकास होता है किसी और पार्टी के थ्रू। गाँव पूरे जिले की बात करें, सिरसा की बात करें अगर तो, तो हरियाणा के इस खास गांव के बारे में हमने आपको बताया, ऐसे और तमाम सीटों के बारे में, वहां जो रुझान रहे, वहां जो जीता, जो फैक्टर्स है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dlallantop.com। शुक्रिया। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।